अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल कॉर्बेट सिस्टम फैसलाबाद। मैं हूँ आपके मेंटर शफ़क अरशद। लास्ट लेक्चर्स में हमने होम के बारे में डिस्कस किया था। सब होम को हमने पढ़ लिया कि होम में क्या है, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिट, हमने क्लियरली इसको डिफाइन कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया। अब हम शिफ्ट होते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट का पहला ग्रुप हमारे पास आ जाता है पेजेस। पेजेस में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कवर पेजेस। हम कवर पेजेस अपने फ्रंट पेज में ऐड करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कवर पेजेस में हमारे पास क्या क्या डिज़ाइन हैं, ताकि हम अपने पेजेस के ऊपर वो यूटिलाइज़ कर सकें। हमारे पास ये आपको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइंस बने हुए हैं। कुछ हम यहाँ से भी ले सकते हैं डिज़ाइंस, और अगर मैं ऑनलाइन डिज़ाइंस लेना चाहती हूँ तो वो भी मैं डिज़ाइंस यहाँ से ले सकती हूँ। कुछ यहाँ पे मेरे पास पेजेस इस तरह के हैं, मैं यहाँ से जाके उसको क्लिक करके रख सकती हूँ। मैं इसमें से अभी ये वाला डिज़ाइन ले लेती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ लाइब्रेरी से रेलेवेंट मैंने डॉक्यूमेंट अपना लिखना है, तो मैंने यहाँ पर वो ले लिया। और यहाँ पर सब टाइटल, यहाँ पर टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर सब टाइटल, यानी हमने जब हमने होम में ये चीज़ पढ़ी थी टाइटल एंड सब टाइटल का, टाइटल एंड सब टाइटल के बारे में, तो हम यहाँ पे भी वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम अपने टॉपिक को बताना चाहते हैं। और सब टाइटल में आपके पास क्या आता है कि आप उसको थोड़ा सा माइनर सा डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इंसर्ट में बने बनाए डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली मौजूद है। अगर आप अपनी मर्जी से इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम वो भी इंशाल्लाह आगे से सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। अभी हमारे पास जो बने हुए डिज़ाइंस हैं, हम उनको तरफ देखते हैं। हमारे पास ये कलर्स हैं, ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं, पीछे पिक्चर लगी हुई है। हम कह रहे हैं कि हमें इसी से रेलेवेंट कोई बात करनी है, हमारा काम कुछ लाइब्रेरी से रेलेवेंट है या बुक से रेलेवेंट है, तो हम इस वाले पेज को यूटिलाइज़ करेंगे। हम इस चीज़ को अपने पूरे पेज के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। वापस करते हैं अपनी सिचुएशन पे, लेकर आते हैं इसको, एंड देन ये हमारा लास्ट एरिया है। ओके, हमने पेज कवर दे दिया, हम यहाँ पे कोई भी टाइटल दे देते हैं। अभी जस्ट लाइक बुक हमारा टाइटल है, बुक एंड सब टाइटल में बुक को डिस्क्राइब करते हैं। आपने बताना है कि आपकी कंपनी कौन सी है, आप यहाँ पर अपनी कंपनी की जगह अपने ऑथर का नाम बता दो, अपने कोर्स का नाम बताएं, और जिस डेट में या फिर क्या आप इस डेट वगैरह को फर्स्ट पेज पे ना ही यूटिलाइज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका कवर पेज है, कवर पेज पर आपका ऑथर का नाम होना चाहिए, और आपके यानी आपने जिसने ये बुक लिखी है, जिसने ये डिज़ाइन की है बुक, उसके बारे में आप उसको बताएँ। और आपका जो कोर्स है, यानी आप कह रहे हो कि मुझे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, जो भी आप सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप वहाँ से इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ब्लैंक पेज। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ शिफ्ट होती हूँ। यहाँ पे मैं फर्दर वही एक पैराग्राफ लिख देती हूँ ताकि रेंडम आपको समझ आ सके, ठीक है। मैं ये लिख दिया एक पैराग्राफ, एंड देन मैं क्या करती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं, कुछ लाइंस लिखनी है, कुछ मेरे ऐसे 6-7 पैराग्राफ्स हैं जो यहाँ पे इसके आगे आने हैं, इस वाले पैराग्राफ के आगे शिफ्ट होने हैं, तो ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, ये पहले ही लिख दी है। मैं अभी डिस्क्राइब करना चाहती हूँ उन पैराग्राफ्स को, तो मैं यहाँ से जाके अपने पेज को ब्रेक कर लूँगी, यानी दरमियान से तोड़ दूँगी। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ से तोड़ सकती हूँ, मैं सेंट्रलाइज एरिया से भी तोड़ सकती हूँ, यानी यहाँ से भी तोड़ सकती हूँ, यहाँ से भी तोड़ सकती हूँ, स्टार्ट से भी कर सकती हूँ और लास्ट से भी कर सकती हूँ। जहाँ से आपको लगता है कि मेरा पैराग्राफ अभी शुरू हुआ है या शुरू होना था या कुछ रह गया है दरमियान में, तो आप वहाँ से पेज को ब्रेक कर दो, ताकि आपके पास जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका आधा हिस्सा इस पेज पर रहे और आधा हिस्सा नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आप पेज को पर ब्लैंक पेज लें, यानी आप कहते हो कि मुझे ऊपर वाली साइड पे, यानी इस सेंट्रलाइज एरिया के दरमियान में एक पेज बताना है, मुझे ये टॉपिक अभी नहीं डिफाइन करना, मुझे कुछ ऐसी चीज़ डिस्क्राइब करनी है जो मेरी बुक से रेलेवेंट थी, यानी मैं कह रही हूँ कि मुझे इंग्लिश एक बुक लेनी है, और इंग्लिश बुक में मैंने सबसे पहले ये चीज़ बतानी है कि उसके कोर्सेज कितने हैं मेरे पास, यानी मेरे पास कितने उसके अंदर चैप्टर्स हैं, कितने उसके अंदर एसेज हैं, स्टोरीज़ हैं, तो ये चीज़ डिस्क्राइब करनी है। उससे
पहले ऊपर वाली साइड पर लेना है, तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाली साइड पर अपना कर्सर रख लूँगी। अपना कर्सर रखने के ऊपर मैं यहाँ पर ब्लैंक शीट ले लूँगी। जैसे ही मैं ब्लैंक शीट लूँगी, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में मेरे पास एक शीट मिल गई। मैं नीचे आपको थोड़ा सा माइनर करके दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये मेरा मेरे यहाँ पे कवर पेज है। कवर पेज के बाद मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया और लास्ट हमारे पास ये पेज जो है वो वर्किंग एरिया है। वापस अपनी सिचुएशन पे आते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये पेज जैसे ऊपर आया है, इसी तरह एक नीचे भी आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके नीचे लेके आना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने लास्ट पे अपना कर्सर रखूँगी ताकि मुझे इसके पेज के नीचे पेज मिल जाए। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज क्लिक करूँगी तो मुझे नीचे ऑटोमेटिकली पेज मिल चुका है। और आप कहते हो कि मुझे इस तरह से पेज ना मिले, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम आपके एक पेज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो आप क्या करें, वापस अपनी सिचुएशन पर जाएं। एंड देन अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इसके नीचे एक पैराग्राफ चाहिए, या मैं इसके ऊपर अपना एक कर्सर रख देती हूँ। 2 सेकेंड, ये फोटो है। एंड देन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक पेज आ गया है, ठीक है। यानी ये मैं ब्लैंक पेज एंटर करती जा रही हूँ, मुझे ब्लैंक पेज मिल गया। आप कह रहे हो मुझे इसके साथ ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लैंक पेज, तो मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करती हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली नीचे एक पेज मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा 9th लेक्चर था। मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यानी 10th लेक्चर में मैं आपको टेबल्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या किस तरह से इसके अंदर काम किया जाता है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे।